और अब अगली खबर चित्तौड़गढ़ जिले के आराध्य देव श्री कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर मंडल कर्मचारी के द्वारा एक भक्त श्रद्धालु मध्य प्रदेश उज्जैन एमपी का रहने वाला मेहरबान सिंह पिता प्रहलाद सिंह निवासी वरंजवा उम्र 52 वर्षीय थाना मंगसी जिला साजापुर के व्यक्ति सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए आया था, परंतु सांवलिया मंदिर मंडल के कर्मचारियों द्वारा इस व्यक्ति जूते चोरी करने के मामले में बिना कुछ पूछताछ किए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर दी, जिससे उनकी जांघों पर एवं पांवों पर खून के निशान बन गए। जबकि ये श्रद्धालु केवल सांवरिया सेठ के दर्शन कर अपने गणतंत्र दिवस स्थान पर जाने के लिए निकला, जिस पर सांवलिया मंदिर मंडल के कर्मचारियों द्वारा ऐसा बुरी तरह मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि इस व्यक्ति के हाथ पैर मारपीट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस मामले को लेकर प्रार्थी मंडीपिया पुलिस थाने में मंदिर कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें मंडीपिया सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह केजरीवाल द्वारा इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। मंडीपिया थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ऐसी घटनाएं पूर्व में भी भक्तों श्रद्धालुओं के साथ घटना घटित हुई है। कहीं ना कहीं मंदिर मंडल के उच्च अधिकारियों के खिलाफ ऐसी घटना पर सवाल खड़ा होता है। जूते चोर भी आते हैं, पर क्या है कि वो खेला होशियारी के चक्कर में भीग गए। चोर अलग ही दिख जाता है। हाँ, अरे भी बताओ नहीं, ये अरे वो पाचे लीक मिले नहीं, ये एड्रेस ही देख ली था। एप्लीकेशन लगाया तो है, चोर तो दौड़े।